नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिश टीवी के पैकेज को हम कैसे चेंज करेंगे या कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो दोस्तों इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इसे ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप की इसकी वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसकी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके करते हैं तो वो ज़्यादा ईजी प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप इसके मोबाइल ऐप में जाके करेंगे तो वो थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, थोड़ा सा दिक्कत देता है, क्योंकि उसको हर चीज़ पे क्लिक करने में उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसका मॉडिफाई करते हैं अपने इसके पैकेज को, या कहना चाहूँ सीधी सिंपल भाषा में कि अगर आपके पास कोई और चैनल ऐड करना चाहते हैं या उसमें से हटाना चाहते हैं अपने टिप पैकेज में से, तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब डिश टीवी के पैक को हम कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर या कोई भी आपका जो ब्राउजर है वो आप खोल लीजिएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इसे मोबाइल में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करना होगा और वहाँ पे उसके जो ऊपर के 3 डॉट्स होते हैं, जिस तरीके से ये इमेज में नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाके आपको डेस्कटॉप साइट पे चेक मार्क करना है और वो रिफ़्रेश हो जाएगा। वो फिर आपके जैसे डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर में खुलता है क्रोम ब्राउज़र, ये उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है डिश टीवी, गूगल में एंटर मारेंगे और सबसे पहले वेबसाइट जो है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइबर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। आप सब्सक्राइबर कॉर्नर पे आपको, अगर आपने रजिस्टर्ड कर रखा होगा अपना मोबाइल नंबर या वीसीसी नंबर, वीसीसी नंबर वो होता है जो आपके सेट टॉप बॉक्स के अंदर जो कार्ड लगा होता है उसका वीसीसी नंबर में लिखा होता है, ठीक है, या फिर आपके सेट टॉप बॉक्स पे भी पीछे लिखी या ऊपर या कहीं भी आप एक स्टिकर लगा होगा और वहाँ उस पर लिखा होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा रखा होगा अपना, तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए इसे लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन होने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पैकेज खुल चुका है, आप मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा नाम लिखा आ गया सब कुछ। अब हमें दोस्तों करना है क्या है कि ये हमारे पुराने पैकेज है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे ये सारे HD पैक हैं। अब मैं इसे HD से हटा के स्टैंडर्ड करना चाह रहा हूँ। अगर आपके आपकी कोई और प्रॉब्लम है, अगर आप किसी दूसरे चैनल को ऐड करना चाहते हैं या फिर आप कोई नया पैकेज ऐड करना चाहते हैं, स्टार का या ZTV Z का या किसी और लैंग्वेज का, तो उसको आप कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ जाना है मॉडिफाई पे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा VCC नंबर है ये वाला, और इस तरीके का ही खुल जाएगा। तो दोस्तों मुझे करना क्या है, इन सबको जो भी मेरे को हटाने हैं तो उसको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से। तो मुझे ये सारे हटाने हैं और अपने स्टैंडर्ड वाले ऐड करने हैं, तो वो मैं यहाँ से एक एक करके डिलीट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे अपने हटा दिए हैं चैनल, अब इसे क्लोज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप सिंगल सिंगल चैनल अगर सेलेक्ट करके करेंगे ना, तो वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो मैं आपको राय यही दूंगा कि आप बकेट यूज़ करें, बकेट में काफ़ी सस्ता और चीप पड़ जा सस्ता पड़ जाता है और अच्छे चैनल देखने को मिल जाते हैं कंबाइन में। मतलब अगर आप 30-35 रुपये में आपको अगर 10 चैनल देखने को मिल रहे हैं और अगर आपसे एक सिंगल चैनल ले रहे हैं 17 रुपये का, तो वो कोई बात मायने वाली नहीं रहती। यहाँ पर आपको फ़ायदा इसी में ये है कि आप बकेट चूज़ करें। तो बकेट में मैंने यहाँ पे कर दिया, अगर आप HD लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप HD सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू क्वालिटी आपको बता रखी है कि अगर आपको HD में लेनी है तो आप HD भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप Z या जैसे भी यहाँ पे पैकेज दे रखे हैं उसको क्लिक करके, जैसे मैं Z का देखना चाहता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ Z के ही HD वाले पैक नज़र आ जाएंगे। बट मुझे Z का पैकेज नहीं लेना है, बट अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अगर नहीं लेना चाहते तो डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लेना चाहता हूँ स्टैंडर्ड पैक और यहाँ से कर दूंगा Z का पैक, अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे HD पैक नहीं लेना है। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ और नॉर्मल जो मेरे स्टैंडर्ड पैक है वो मैं लेना चाहूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को जो सिलेक्ट करने हैं वो है डिज्नी, और मेरे को HD पैक नहीं लेना है, मेरे को सिर्फ ST में लेना है। तो ST में अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये HD के सारे पैकेज आ चुके हैं। तो ये कलर्स वाला, ये बंगाली। अच्छा दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक लैंग्वेज वेरिएंट में हैं, अगर आप एक अलग ही लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, वैसे ऑप्शन होता है उसके अंदर हिंदी भी, बट क्या
क्या नाम है, आप चेंज कर सकते हैं, पर क्या पता ना हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इन फ्यूचर के लिए कि आप जिस लैंग्वेज में प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें आप देखना चाहते हैं, आप उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। आप इसमें मत कर देना कि कलर वाला बंगाल बजट ब्लैक, कहीं आप बंगाली वो चैनल आता रहे और आपको समझ में ना आए, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डिज्नी अपना कर लिया है, ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जैसे ये वाला यहाँ पर आ गया है, कलर्स वाला हिंदी बजट पैक, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसे कर लेता हूँ 2500 रुपये वाले को, ठीक है, मेरे कलर्स चैनल पैक हो गया है। अब मैं यहाँ से, मेरे को कलर्स का कोई TV18 के कलर है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं नीचे चलूँगा, नीचे जाने के बाद ऑल राइट, अब यहाँ पे आगे डिस्कवरी का। तो दोस्तों डिस्कवरी के भी मैं आपको बताऊँ, तो डिस्कवरी का आपको जो पैक लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लेना डिस्कवरी SD बकेट। इसमें आपको क्या होगा कि आपको सारे जितने भी डिस्कवरी से रिलेटेड होंगे ना, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ये वाला नाम याद रखिएगा, डिस्कवरी SD बकेट 1। इसमें आपको 8 के 8 चैनल मिलेंगे, वरना आपको देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्कवरी SD स्पोर्ट्स, ये 7 रुपये में 5 चैनल दे रहा है, इसका हमें क्या फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए ये यूरो स्पोर्ट दे रहा है, और यहाँ पर भी हमारे को मिल जाएगा वो, ये देखिए यूरो स्पोर्ट, ठीक है। तो अब आप, हम चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए अब दोस्तों नीचे चलते हैं, अब आ गया स्टार। स्टार प्रीमियम, ये कन्नड़ है, हमें लेना है। ये आ गया सोनी का, सोनी के में हमारा बैकेट वाला, इसका 31 रुपये के 9 चैनल दे रहा है। ये कौन से हैं हम देख लेते हैं, सोनी सब TV पर एक हमारे इसके अंदर इंक्लूड होता है दोस्तों 10 Sport 3, तो वो हमें चाहिए, हम वो देखेंगे। वो आई थिंक 39 रुपीज़ का है, उसे भी देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं, इस पे पर मराठी है, पर इसकी जगह हम दूसरा भी एक पैकेट आता है 39 रुपीज़ का, आई थिंक ये है जी, ये रहा। तो ये आपके सारे चैनल हमें मिल गए। अगर आप मराठी हैं तो आप मराठी वाला ये वाला पैक ले सकते हैं, बट मैं ये वाला लेना पसंद देता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा है, 69, इसमें 10 Sport 10 Speed सारी सोनी 6 सब आता है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, सोनी इसमें भी मराठी और ये आएगा, पर इसका सोनी पिक्स भी आता है, तो चलिए इसे छोड़ के हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी हिंदी है। अच्छा स्टार का दोस्तों, हम स्टार हिंदी वैल्यू को अब यहाँ से 49 रुपीज़ वाला कर सकते हैं। इसके अंदर स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल आएंगे, जो एक कंपलसरी जो एक नॉर्मल इंडियन देखता है, वो इसके अंदर सारे पैकेज मिल जाएंगे, सारे चैनल मिल जाएंगे आपको, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप साउथ से रिलेटेड करते हैं तो यहाँ से साउथ से आप रिलेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं और जल्दी से, जिससे वीडियो जल्दी लंबी ना बने। स्टार 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 से हमारे को कोई मतलब नहीं है। अब हम नीचे चलते हैं, और स्टार हो गया, स्टार हो गया, सन TV आ गया, सन TV, ओके टाइम्स, टाइम पैकेट में दोस्तों आ गया। तो यहाँ पे हमें टाइम पैकेट में देखिए, यहाँ पे जूम नाउ ATV, ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। टाइम पैकेट 2 में 13 रुपये में MNX मूवीज नाउ, इसको 10 रुपये में, 3 10 रुपये में MNX मूवीज नाउ और ये 10 रुपये में दे रहा है, और ये 13 रुपये में 7 चैनल दे रहा है, जिसके अंदर हमारा ET नाउ भी आएगा, रेमेडीज मूवीज नाउ, टाइम्स और जूम भी आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये फैमिली, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, और इसके अंदर आपको इंग्लिश मूवीज़ के भी चैनल मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको टर्नर किट सिर्फ 5 4.5 4 रुपये में मिलेंगे कार्टून नेटवर्क पर, और यहाँ पर अगर आप उसको दोनों को ही ले लेते हैं, तो अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं आसानी से, टर्नर फैमिली पैक को। तो इसमें आपको HBO और WB भी चैनल मिल जाएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, अब आ जाते हैं जी में। तो जी का बहुत ही सस्ता पैक है दोस्तों, 35 समथिंग रुपीज़ का। चलिए नीचे आ जाइए, जी पैम, अच्छा जी 39 रुपीज़ का, सॉरी। तो ये जी का पैक आके हमारा
जी सलीबंट जो भी है आपका, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हो गया जी का भी हमारा पैक हो चुका है, और जी फैमिली, जी प्राइम पैक ऑल इन साउथ SDS, साउथ तेलुगु फैमिली। नहीं, हमें ज़्यादा इंग्लिश, हमारे इंग्लिश के सारे पैक आ रखे हैं 15 रुपये में। नेविंग्स फूड बियॉन्ड, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो जी प्राइम, जी सुपर, ये जी से हमारे सारे रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे 8 बकेट हो चुके हैं सेलेक्ट दोस्तों, जितने हमें चैनल चाहिए थे। तो अब यहाँ से हम करेंगे ओके। अगर आप यहाँ से कुछ हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बकेट 7 हो गया है, और अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बकेट 8 हो गया, यानी कि मैंने 8 पैकेज अपने चेंज सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए आप इसे करेंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले जो मेरा प्राइस पड़ रहा था वो 200 इतने रुपये का पड़ रहा था, ये मेरा करंट है और ये मेरा मॉडिफाई है। ये मेरा पहले पैकेज जो पड़ रहा था 295 रुपये का पड़ रहा था, ठीक है, अब मेरा 223 रुपये का पड़ रहा है, पर इसकी ये सिर्फ बिना GST के हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपके घर में कोई और अल्टरनेट कनेक्शन भी ले रखे हैं तो उसको आप यहाँ से हटा दीजिए। उससे ये होगा कि आप अगर अपने सेलेक्टेड करंट जो आपका क्या नाम है VCC नंबर है या सेटअप बॉक्स है, उस पर आप ये चैनल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये उस पर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप उन सब पे ये सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आप वो सारे तीनों TV पे या 2 TV पे आपके यही सारे चैनल्स आए, तो आप यहाँ पे इसे चेक मार्क कर दीजिए और यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से नहीं चाहता कि मेरे ये दोनों TV पे एक्टिवेट हों, तो मैं यहाँ से इसे हटा दूंगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन से बकेट में सेलेक्ट किए हैं चैनल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने डिज्नी करा है, डिस्कवरी करा है, सोनी का करा है, स्टार का करा है, टाइम्स बकेट किया है, टर्नर करा है, जी फैमिली करा है, कलर्स वाला करा है। तो ये सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ से हम कर देंगे प्रोसीड। और प्रोसीड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपका 440 रुपये का पैकेज बन चुका है, जिसे हम कर देंगे सबमिट। और सबमिट करने के बाद दोस्तों ये आपका रिक्वेस्ट आ चुकी है, जो आपके TV पे within 5 मिनट्स के अंदर आपका TV स्विच ऑफ होगा अपने आप बाय डिफॉल्ट, या एक मैसेज कोड आएगा। हर कनेक्शन का अलग अलग प्रोसेस होता है, मेरे में ये होता है कि मेरे में 5 मिनट के अंदर एक मैसेज आ जाता है और वो 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ हो जाता है और चैनल चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने चैनल को, पैकेज को चेंज कर सकते हैं बहुत ही इसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा मुझसे।